हेलो दोस्तों, आज 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के दौरान आज की हमारी कहानी है इस बंदर को भगाओ, जिसमें एक विनी नाम की छोटी लड़की होती है जिसके अंदर एक दर्द डर बैठ जाता है, पेट के दर्द का। और अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कई दिनों से विनी के पेट में बहुत तेज दर्द था जो जाने का नाम ही नहीं लेता था, लेकिन वह फिर भी डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। यह दर्द शरारती बंदर की तरह उस पर सवार था जो अपने बोझ तले विनी को कुछ नहीं करने देता था। विनी ने सोचा शायद सब्जियां चुनते समय यह बंदर उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह दर्द उसके साथ बना रहा। विनी को लगा कि जब मैं खेलने जाऊंगी शायद तब यह दर्द मेरा पीछा छोड़ देगा, तब भी नहीं हुआ। या शायद टीढ़ी पकड़ते समय वह उसे अकेला छोड़ दे। क्या ये बंदर उसे शांति से मछली भी नहीं पकड़ने देगा? क्या यह बंदर पिकनिक पर भी कुछ गड़बड़ करेगा? लेकिन विनी की सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी, क्या वो इस बंदर के कारण कला महोत्सव में नाच पाएगी या नहीं। आह, 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 विनी रो रही थी दर्द के मारे। विनी अब तंग आ चुकी थी। माँ माँ, वह रोई, इस बंदर को भगाओ, माँ प्लीज इस बंदर को भगाओ। विनी की माँ ने उसके आंसू पोंछे, उन्हें प्यार से समझाया कि डॉक्टर उसकी मदद कर सकते हैं। विनी का दर्द दूर करने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। अगले हफ्ते विनी के दोस्त उससे मिलने आए। जल्दी ठीक हो जाओगे, हम फिर साथ खेलेंगे, उन्होंने कहा। ठीक होने पर विनी ने सब्जियां चुनी, टिड्ढे पकड़े, मछलियां पकड़ी, दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई और कला उत्सव में खूब नाची। शरारती बंदर से आखिरकार विनी को छुटकारा मिल ही गया।